सोनाली बिल्डर्स। यदि आप भी ऐसा मकान बनवाना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। होली के उपलक्ष्य पर विशेष ऑफर, नक्शे का डिजाइन फ्री। सोनाली बिल्डर्स, हनुमान कॉलोनी, गुना। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। पिता की वसीयत से प्राप्त 60 लाख से अधिक की संपत्ति को 6 बहनों ने सहर्ष स्वेच्छा से सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र को धर्मशाला के लिए दान देने की घोषणा की। कटनी के ग्राम रीटी पहुंचकर समस्त बहनों ने परिवार सहित मुनि श्री 108 सदासागर जी महाराज का लिया आशीर्वाद। स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन पिपराई वालों की सुपुत्रियों ने अपने पिता की वसीयत से प्राप्त 60 लाख से अधिक मूल्य के एक मकान को, जो की जगत दर्शन के सामने वाली गली में स्थित है, उसे सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र टोल नाके पर धर्मशाला बनाने के लिए सहर्ष दान देने की घोषणा की है। ये जानकारी देते हुए सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जैन ने बताया कि दान की उत्कंठा से भरी सभी बहनों ने कल कटनी जिले की ग्राम रीटी पहुंचकर मुनि पुंगव 108 सदासागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे दान देने की उत्कंठा जताई। मुनि श्री ने सभी परिवार वालों को आशीर्वाद दिया और उनके दान देने के भावों की सराहना की। श्री अरविंद जैन ने बताया कि सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर शीघ्र ही एक अत्याधुनिक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं से लैस होगी। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष अरविंद जैन, मंत्री अखिलेश जैन, उपाध्यक्ष संजीव जैन, राकेश जैन, कोषाध्यक्ष सुनील शराफ, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बच, रविंद्र जैन आदि सभी सदस्यों ने सभी दान देने वाले परिवारों के पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके दान की अनुमोदना की है। इन सभी 6 बहनों ने अपने पिता की वसीयत से प्राप्त एक मकान, जो कि जगत दर्शन के सामने वाली गली में था, उसे स्वेच्छा से सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र को सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर एक अत्याधुनिक धर्मशाला बनाने के लिए दान देने की स्वेच्छा से घोषणा की है। हमारी टीम पहुंची स्टेट हाईवे 20 पर, जो कि MPRDC द्वारा बनवाई गई है। मध्य प्रदेश शासन ने POT रोड की परिकल्पना ये सोचकर की थी कि रोडों की गुणवत्ता अच्छी से अच्छी होगी, परंतु विभाग की इस योजना को आर्यवर्त टोल कंपनी, जो कि गुना अशोक नगर रोड की POT कंपनी है, जिसने विभाग की इस योजना पर पलीता लगाया है। रोड में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। रोड की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टोल कंपनी की है, टोल कंपनी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हमारा जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और कंपनी से रोड को सही कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार की कलाई खोलेगी कांग्रेस। 11 वर्षों तक कोर्ट में चला मुकदमा, सरकार आंकड़े ही पेश नहीं कर पाए। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह का आरोप। देश की सर्वाधिक आबादी वाले OBC समुदाय का भाजपा लगातार दुरुपयोग कर रही है। धार्मिक आधार पर इस वर्ग को वर्ग लाया जा रहा है, जबकि OBC आरक्षण के मुद्दे पर जब जब बहस कोर्ट में होती है, भाजपा पीछे हट जाती है और सही आंकड़े तक पेश नहीं कर पा रही। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की इसी सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जल्द ही आंदोलन करेगा, रथ यात्रा निकालेगा और OBC समुदाय को भाजपा की असलियत बताएगा। कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कलही खोल कर रख देगी। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने मंगलवार को गुना में कही। सरस्वती विहार कॉलोनी पटवा हल्का नंबर 4 वार्ड नंबर 20 में बने हुए मकानों एवं कुछ खाली प्लाटों पर आनंद कुमार लोढ़ा, राजू यादव एवं अन्य के द्वारा कॉलोनी में जबरदस्ती प्लाटों पर अवैध कब्जा कर बने हुए मकानों के तोड़ने की धमकी देकर गाली गलौज की जा रही है। रहवासियों ने आज कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला चिकित्सालय में सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी का टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर समस्त सपोर्ट स्टाफ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी भर्ती CMHO कार्यालय द्वारा संविदा वार्ड वाई पद पर की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर ने की थी। संविदा से हटाकर हमको रोगी कल्याण समिति में कलेक्टर
दर पर वेतन दिया जा रहा है। आगामी समय में जिला चिकित्सालय में समस्त सपोर्ट स्टाफ ठेके में डालने की प्रक्रिया चल रही है, जो सही नहीं है। निवेदन है कि हमारा टेंडर न करते हुए रोगी कल्याण समिति से कलेक्टर रेट पर मानदेय भुगतान कर टेंडर में न डालने की कृपा की जाए। निर्वाचन शाखा के नाम से ऑनलाइन की गई ठगी। फरियादियों ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सभी VLO शिक्षक साथी निर्वाचन शाखा में कार्यरत हैं। हम लोगों के पास 9/3/2022 को मोबाइल नंबर 8653 49 43 35 से बार बार कॉल आया। कॉल उठाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि जिला निर्वाचन शाखा गुना से कलेक्टर महोदय के यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लाइन पर रहिए और मोबाइल को मत काटना, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। जब उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया गया तो बैंक के खाते की राशि कट गई। सभी अब मानसिक रूप से बहुत परेशानी में हैं और काफी राशि की क्षति हुई है। या तो राशि दिलवाई जाए या फिर BLO कार्य से मुक्त किया जाए। गुना के टारगेज में लगी कश्मीर द फाइस फिल्म, हो रहा है हाउसफुल। कश्मीर पंडितों पर हो रहे अत्याचारों पर बनी है ये फिल्म। कश्मीर मूवी को मिल रहा जन समर्थन, कई संख्या में लोग पहुंच रहे भारी तादाद में, देखिए। नए दृष्टिकोण वाला शिविर जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा। सन टू ह्यूमन एवं रोटरी क्लब गुना रॉयल 3 दिवसीय शिविर गुना में 18 मार्च से। केवल योग नहीं प्रयोग है ये शिविर। केवल LK लाइन नाश्ता बा कॉम्बिनेशन युक्त भोजन पद्धति को अपनाकर बढ़े हुए वजन को कम करने, तमाम प्रकार की बीमारियां व अस्पतालों के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए तकनीक के प्रति समझ पैदा करने के उद्देश्य से इंदौर के परम आल्य प्रेरित सन टू ह्यूमन मिशन के तत्वावधान में गुना में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन आगामी 18, 19, 20 मार्च 3 दिन लगने जा रहा है। ये शिविर सुविधाएं गार्डन अंबेडकर चौराहा गायत्री मंदिर के सामने गुना में होने जा रहा है। इस शिविर के आयोजक रोटरी क्लब गुना रॉयल के अध्यक्ष धर्मेंद्र वांझल ने शिविर संबंधित जानकारी देते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ये शिविर निःशुल्क रहेगा, इसके लिए कोई भी पंजीयन जरूरी नहीं। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजा साहब को मैक्स अस्पताल में हुआ हार्निया का ऑपरेशन, डॉक्टरों की निगरानी में बीतेंगे 2 दिन। गुना में पहचान वालों के साथ फ्रॉड, 2 परिवारों में थी दोस्ती, शादी में जाने ज्वेलरी मांगी, बाद में साहूकार के यहाँ गिरवी रखवा कर ले लिया लोन। गुना जिले के आरोन इलाके में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक परिवार ने अपनी पहचान वाले परिवार से शादी में जाने के लिए महंगे गहने मांग लिए। गहने लेकर उन्हें गिरवी रखकर लोन ले लिया। परिवार ने कई बार गहने वापस करने को बोला, लेकिन दूसरे परिवार वाले टालते रहे। जब उन्हें गहने वापस नहीं मिले तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। उनकी शिकायत पर पुलिस ने दूसरे परिवार पर अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया है। 12 वर्ष से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, हत्या डकैती चोरी जैसे मामलों में चल रहा था फरार। 10,000 का इनाम था घोषित, पता बदल कर रह रहा था। पुलिस ने हत्या डकैती चोरी सहित कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वे लगभग 12 वर्षों से फरार चल रहा था, उसने अपना पता भी बदल लिया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। ससुर द्वारा की गई मारपीट व दी गई जान से मारने की धमकी, गुना SP को कार्रवाई न होने पर दिया शिकायती आवेदन। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ककिया ससुर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए शिकायत की है। आवेदन देते हुए बताया कि सीमा पत्नी संतोष रजक निवासी ग्राम जौहरी थाना फतेहगढ़ जब सुबह के समय घर पर थी तो उसका ककिया ससुर दौलतराम देवर हेमराज रजक घर के दरवाजे पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गालियां देने से मना किया तो दौलतराम रजक ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बोला कि इसे खींच कर लाओ, इसे बताते हैं। और हेमराज जब रन घर के अंदर घुसा और बायां हाथ पकड़कर घर के बाहर खींच लाया और जमीन पर पटक कर लात घूंसों से मारपीट करने लगा। जब सास गायत्री बचाने आई तो आरोपी दौलतराम रजक लाठी लेकर आया और लाठी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सीमा के हाथ के कोंचे में बासिर पर चोट आई है।
जब चिल्लाचोट हुई तो आवाज सुनकर मनीष रंजीत व पति संतोष रजक आए, जिन्होंने बीच बचाव किया और जाते जाते आरोपी धमकी देकर गए कि आज बच गए आगे से जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने फतेहगढ़ थाने गए, किंतु फरियादिया द्वारा बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, ना ही मेडिकल करवाया गया। पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए आरोपी गण के विरुद्ध सही अपराध पंजीबद्ध किए जाने व न्याय दिलाने की मांग की है। बजरंगगढ़ से गुना आते समय एक टैक्सी शनिदेव मंदिर हड्डी मेल पर घोड़े को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती प्रभु पुत्र अर्जुन आदिवासी निवासी चिड़ियाघर थाना बजरंगगढ़ ने बताया कि बजरंगगढ़ बैंक से रुपए निकालने गए थे। बजरंगगढ़ से लौटकर एक ऑटो से गुना आ रहे थे, तभी शनि मंदिर हड्डी मेल के पास सड़क पर घोड़ा खड़ा था, उसे बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें बैठे आधा दर्जन महिला पुरुष एवं एक छोटी बच्ची घायल हो गई। इस सड़क दुर्घटना में रीता पत्नी घनश्याम कलावत निवासी बजरंगगढ़ उम्र 30 साल एवं दीपक पुत्र कवरलाल वंशकार उम्र 28 साल निवासी बजरंगगढ़ एवं नैना पुत्री घनश्याम कलावत उम्र 6 साल के पैर में फ्रैक्चर आया है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल से कटकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से कटकर हुई एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त न होने पर उसके शव का पोस्टमार्टम कर सकतपुर में दफनाया गया। गुना जीआरपी थाना प्रभारी जे एस परमार ने बताया कि गुना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने के कारण उसका शरीर कटकर दो हिस्सों में विभक्त हो गया। अज्ञात 40 वर्षीय व्यक्ति के गले में तुलसी की माला, हाथ में तांबे का कड़ा एवं उंगली में तांबे का छल्ला पहने हुआ था। अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त के लिए मृतक का शव जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखवाया गया। 40 वर्षीय मृतक के शव की शिनाख्त के लिए रेलवे कंट्रोल रूम साजापुर एवं बीना व झांसी के जीआरपी थाना प्रभारियों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, इस कारण अज्ञात मृतक के शव का पोस्टमार्टम के बाद शव का जीआरपी एवं गुना नगर पालिका की टीम ने सकतपुर ग्राउंड पर दफना दिया गया है। तारी मेरे साथ मारपीट की और मुझे खींच के मारा। मेरे देवर ने मुझे नीचे पटक के और ससुर ने की इसको मारो खींच के लाठी खींच लाओ इस फतेहगढ़ थाना में सुनवाई नहीं की। हम बरोज गए थे कि हमें FIR नहीं दी तो हमारी सुनवाई नहीं करी। हम SP के पास आए, शिकायत कर दी हमने। अच्छा, तो कौन है सुसर जिसने मारपीट की है? सुसर हेमराज है, मारपीट की जो तो सुसर ने की और गाली दी बैरन की तरह से। क्या नाम है जो आपके जो ककिया ससुर हैं? क्या ससुर दौलत राम ककिया ससुर हैं या ससुर हैं? ककिया ससुर हैं दौलत राम और हेमराज नाम है बेटा का। उसने देवर ने मुझे पकड़ के मारपीट की धरने से खींच के। फतेहगढ़ पुलिस ने FIR नहीं दी आपको? नहीं दी। और क्या, कितने दो दिन से नहीं दी और फिर भी सुनवाई नहीं करी हमारी फतेहगढ़। क्या नाम है आपका? सीमा नाम है मेरा। कौन से गांव के हो? जोहरी। पिता की वसीयत से प्राप्त 60 लाख से अधिक की संपत्ति को 6 बहनों ने सहर्ष स्वेच्छा से सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र को धर्मशाला के लिए दान देने की घोषणा की। कटनी के ग्राम रीटी पहुंचकर समस्त बहनों ने परिवार सहित मुनि श्री 108 सदा सागर जी महाराज का लिया आशीर्वाद। स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन पिपराई वालों की सुपुत्रियों ने अपने पिता की वसीयत से प्राप्त 60 लाख से अधिक मूल्य के एक मकान को, जो की जगत दर्शन के सामने वाली गली में स्थित है, उसे सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र टोल नाके पर धर्मशाला बनाने के लिए सहर्ष दान देने की घोषणा की है। ये जानकारी देते हुए सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जैन ने बताया कि
दान की उत्कंठा से भरी सभी बहनों ने कल कटनी जिले की ग्राम रीटी पहुंचकर मुनि पुंगव 108 सदा सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे दान देने की उत्कंठा जताई। मुनिश्री ने सभी परिवार वालों को आशीर्वाद दिया और उनके दान देने के भावों की सराहना की। श्री अरविंद जैन ने बताया कि सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर शीघ्र ही एक अत्याधुनिक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा जो आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं से लैस होगी। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष अरविंद जैन, मंत्री अखिलेश जैन, उपाध्यक्ष संजीव जैन, राकेश जैन, कोषाध्यक्ष सुनील शराफ, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बच, रविंद्र जैन आदि सभी सदस्यों ने सभी दान देने वाले परिवारों के पुण्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके दान की अनुमोदना की है। इन सभी छह बहनों ने अपने पिता की वसीयत से प्राप्त एक मकान जो कि जगत दर्शन के सामने वाली गली में था उसे स्वेच्छा से सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र को सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर एक अत्याधुनिक धर्मशाला बनाने के लिए दान देने की स्वेच्छा से घोषणा की है। मामला कुछ नहीं है, अपने मंदिर के लिए ये मकान मेरे ससुर का है, तो ये छह बहनें हैं मतलब मेरी पत्नी, तो इन लोगों ने दान करने का मन बनाया। तो सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र अपना जो टोल नाके पे है ना, उसमें दान कर दिया और महाराज जी के पास जाकर आशीर्वाद भी लिया, आशीर्वाद भी ले चुके हैं। कितना रुपए डोनेट किया है इसमें? 60 लाख रुपए करीब इसकी राशि लगी है अभी तक, और मैंने ये 60 लाख तो कम से कम माने, अगर अधिक लगती है तो अधिक लगती है तो मंदिर को क्या वो तो उसमें उसका हाउस टैक्स और जो बांका है वो ही मैं अपनी जेब से भरूंगा, मंदिर के पैसे में से अपन को देना नहीं, मंदिर में जो पैसा है जो जितने का वो पूरा पैसा मंदिर को जाएगा। कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बस यही कहना चाहती हूँ कि दान देखे हम लोग बहुत खुश हैं कि जिससे हमारे पापा को कुछ लगे कि हमने कुछ किया, इस पैसे से मतलब उनके नाम से कुछ चल सके, आगे धर्मशाला बने, स्थाई रहे, जिससे हमें लंबे समय तक उपयोग करें, आगे वाली पीढ़ी याद करें, आगे वाले हमारे बच्चों के बच्चों आगे देखें इस चीज से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समता जैन है, हम लोग छह बहन है, सब मैरिड है, सब संपन्न है, सब कुछ है, तो बस हम लोग अपने हर्षोल्लास से दे रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से। जी बताएं। मैं अरविंद जैन, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र एबी रोड का अध्यक्ष। ये उपरोक्त मकान जो कि श्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी पिपराई का था, उनकी बारिश छह बहनें हैं, छह ही बहनों ने मिलके गुरुवर विद्या सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में उपरोक्त दान की घोषणा की है और सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र में उपरोक्त राशि जो प्राप्त होगी उसकी द्वारा धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा उनकी स्मृति में, और हम इनके दान पुण्य की बहुत बहुत आभारी हैं जो कि इन्होंने इतने बड़े दान की राशि हम वो सर्वोदय ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के लिए दान की। हमारी टीम पहुंची स्टेट हाईवे 20 पर जो कि MPRDC द्वारा बनवाई गई है। मध्य प्रदेश शासन ने POT रोड की परिकल्पना ये सोचकर की थी कि रोडों की गुणवत्ता अच्छी से अच्छी होगी, परंतु विभाग की इस योजना को आर्यवर्त टोल कंपनी जो कि गुना अशोक नगर रोड की POT कंपनी है जिसने विभाग की इस योजना पर पलीता लगाया है। रोड में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। रोड की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टोल कंपनी की है, टोल कंपनी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हमारा जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और कंपनी से रोड को सही कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम खड़े हुए SH-20 मतलब स्टेट हाईवे 20 पर और ये स्थान है पगारा टोल जो कि गुना अशोक नगर रोड पर पड़ता है। इस MPRDC की रोड है और इसे बनाया है आर्यवर्त कंपनी ने। जितनी भी बंच टैंक फ्रेंचाइजी रोड हैं वो 30 से 34 सालों तक मेंटेनेंस के साथ संबंधित कंपनी को टोल वसूलने के आदेश के साथ दी जाती है, पर आर्यवर्त कंपनी को लगता है कि MPRDC ने अब है दान दे दिया है। पिछले 3 सालों में मेंटेनेंस के नाम पर इस रोड पर कुछ भी नहीं हुआ। यदि आप गुना से पीली घाटा तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं।
परंतु संबंधित एमपीआरडीसी कंपनी एजेंसी कोई भी काम नहीं कर रही है, ना रोड का मेंटेनेंस करा रही है और संबंधित टोल कंपनी लगातार प्रत्येक आदमी से टोल वसूल रही है। सुविधाओं के नाम पे ना यहाँ एम्बुलेंस है ना कुछ भी है। एमपीआरडीसी के कर्ता धर्ता ने इस टोल कंपनी को अवैधान दे रखा है। हमारा अनुरोध है जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले से कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और संबंधितों पर जरूरी कार्रवाई कर। हाँ, मैं अशोक मूल रूप से अशोक नगर का निवासी हूँ और मेरा हफ्ते 10 दिन में एक चक्कर अशोक नगर का लगता है और महीने में 3-4 चक्कर मेरे अशोक नगर के लगते हैं और इस रोड से मुझे जाना पड़ता है और ये 2 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 2 जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क पर टोल भी लिया जा रहा है। टोल रोड होने के बाद भी इस रोड की हालत बेहद ख़राब है और ख़ास तौर पर जो गुना साइड का हिस्सा है, जो सिंध नदी के से गुना तक का हिस्सा, उस रोड पर तो भारी गड्ढे हैं। गड्ढों से बचा बचा के गाड़ी चलाना पड़ता है और फिर किस बात का टोल जो है सड़क निर्माता ठेकेदार जो है कंपनी किस बात का टोल ले रही है, मुझे ये आश्चर्यजनक लगता है और अभी तक क्यों संबंधितों का ध्यान इस ओर नहीं गया है ये भी मेरे। उस पर टोल लगता है सर, लेकिन उस रोड का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नहीं, उसके लिए हम लोग मेंटेनेंस का काम कराना रहेगा तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे एंड संबंधित विभाग को हम लिख के उसको फॉलोअप कराएंगे। उसमें टोल वाले की व्यवस्था है मेंटेनेंस उसी का, तो उसको भी वही लेना पड़ेगा। उसमें विभाग को इंटीमेट करके उसमें आगामी कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे। सर, सरस्वती विहार कॉलोनी पटवा हल्का नंबर 4 वार्ड नंबर 20 में बने हुए मकानों एवं कुछ खाली प्लाटों पर आनंद कुमार लोढ़ा, राजू यादव एवं अन्य के द्वारा कॉलोनी में जबरदस्ती प्लाटों पर अवैध कब्जा कर बने हुए मकानों के तोड़ने की धमकी देकर गाली गलौज की जा रही है। रहवासियों ने आज कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन दिया, हमने प्लॉट 2013 में लिए थे, दूसरे जेन ने पैसे लिए थे, उसकी नोटिस हमको अर्जुन से दाखिल करवाई थी और हमसे बोला गया था जब इसको पूरा विवाद चल रहा है, मतलब कोई बटांगन वगैरह का, उसको अरेस्ट करवा देंगे आपको। अभी उनने 2 महीने पहले 3 दिन अरेस्ट करा दी उसको, आनंद लोढ़ा को, किसी दूसरे आदमी को, मणिधर टाइम्स वाले को। उसके आदमी आते हैं, हमको धमकाते हैं, हमारे मकान को तोड़ने को बोलते हैं, ये प्लॉट खाली पड़े उस पर खड़ा कर किसी को फूट भी देते, उसको कर देते, एग्रीमेंट लिखवा देते कि भाई प्लॉट हमने उसको बेच दिया जी। वो हमसे बोलता पैसे दो मुझे, प्लॉट खाली करो। आपके पास क्या एविडेंस है उसके सर? नोटरी हम पे रखी हुई है, उसने जो जमीन ली है वो जमीन उसने एग्रीकल्चर जमीन ली है। बेची किसने? आप किसने बेची थी? दुष्यंत जैन ने। तो आपने उससे बात की? किससे? आनंद लोड़ा कर दी। दुष्यंत जैन से आपने बात नहीं की? वो थोड़ी हमसे बात कर रहा है। कब्जे करा दी, मकान मलवा दिया आपको। अब आनंद के आदमी आते हैं, गुंडे आते हैं, वो घर पे औरतों को धमकाते हैं, कमाओ मकान तोड़ देंगे, जो प्लॉट खाली पड़े हैं किसी खड़ा फोटो खींच लिया उन्होंने, कभी इसका एग्रीमेंट कर दिया, इसको प्लॉट भेज दिया। कितने लोग हैं ऐसे? 100 लोग हैं, 100 मकान बने, सर्वे करा उसका, 10-20 प्लॉट खाली पड़े हैं, सब मकान बने हुए। किस जगह का है? किस जगह का है? सरस्वती विहार का। जिला चिकित्सालय में सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी का टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर समस्त सपोर्ट स्टाफ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी भर्ती सीएमएचओ कार्यालय द्वारा संविदा वार्ड वाई पद पर की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर ने की थी। संविदा से हटाकर हमको रोगी कल्याण समिति में कलेक्टर दर पर वेतन दिया जा रहा है। आगामी समय में जिला चिकित्सालय में समस्त सपोर्ट स्टाफ ठेके में डालने की प्रक्रिया चल रही है, जो सही नहीं है। निवेदन है कि हमारा टेंडर न करते हुए रोगी कल्याण समिति से कलेक्टर रेट पर मानदेय भुगतान कर टेंडर में न डालने की कृपा की जाए। नाम गोविंद भरद्वाज, कहाँ से आए? जिला चिकित्सा। क्या समस्या लेके आए बताइए? सर, हमको सपोर्ट स्टाफ में संविदा तौर पर भर्ती कराया गया था जिला चिकित्सालय में, विगत 11 साल से हम कार्यरत थे। अब कह रहे हैं वो कि हमको ठेके में डालने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्योंकि ठेके में सर पैसे मिलता नहीं है और हमको ठेके में काम करना नहीं है। अगर हमको ठेके में करा जाएगा तो फिर सर बहुत परेशान हो जाएगी हमारी फैमिली। अभी कितनी सैलरी है? 9,532 रुपये दी जा रही है। और ठेके में कितने मिलेगी? ठेके में तो सर ठेकेदार जी कहते हैं 5,000, 6,000, 7,000, उसमें कुछ भविष्य नहीं है। भगा देंगे अगर कहीं जाएंगे, शिकायत करेंगे आगे किसी को। 4-4 महीने किया जाए श्रीमान जी हमारा, और हमको पुनः रोगी कल्याण से ही दी जाए कलेक्टर रेट। कितने कर्मचारी हैं वहाँ पे? 33 जने हैं सर।
और अभी ये टेंडर चल रहा है अस्पताल में, कलेक्टर साहब का कई बार निरीक्षण हुआ, उसमें भी पाया गया है कि ना कि कितनी त्रुटि पाई जाती है उसमें, इसीलिए हमको टेंडर में न डाल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद भरद्वाज, गोविंद भरद्वाज बाड़वा। निर्वाचन शाखा के नाम से ऑनलाइन की गई ठगी, फरियादियों ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सभी VLO शिक्षक साथी निर्वाचन शाखा में कार्यरत हैं। हम लोगों के पास 9/3/2022 को मोबाइल नंबर 8653 49 43 35 से बार बार कॉल आया। कॉल उठाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि जिला निर्वाचन शाखा गुना से कलेक्टर महोदय के यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लाइन पर रहिए और मोबाइल को मत काटना, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। जब उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया गया तो बैंक के खाते की राशि कट गई। सभी लोग सभी अब मानसिक रूप से बहुत परेशानी में हैं और काफी राशि की क्षति हुई है। या तो राशि दिलवाई जाए या फिर BLO कार्य से मुक्त किया जाए। और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, एनी डेस्क नाम का ऐप हमसे डाउनलोड करवाया गया है और हमारी व्यक्तिगत जानकारी और मेरे अकाउंट से 22,688 रुपये उन लोगों ने ले लिए हैं और हम उठा नहीं रहे थे, तो कह रहे थे निर्वाचन शाखा से आए और कलेक्टर साहब से बात कर ली, दमका कर हमको ये ऐप डाउनलोड करवाया गया है। तो कितनी अमाउंट? 22,688 मेरे गए अकाउंट। टोटल कितने BLO है? 5 तो है नहीं, 8 BLO हैं सर, वैसे अभी हम 5 लोग आए हैं। लेकिन FIR वगैरह कोई करवा दी 10 मार्च को ही हमने FIR भी करवा दी, SP ऑफिस में भी दिया है, साइबर सेल पे भी बताया है, हमने अपनी कंप्लेंट दी है। गुना के टारगेट में लगी कश्मीर दा फाइस फिल्म, हो रहा है हाउसफुल, कश्मीर पंडितों पर हो रहे अत्याचारों पर बनी है ये फिल्म। कश्मीर मूवी को मिल रहा जन समर्थन, कई संख्या में लोग पहुंच रहे भारी तादाद में, देखिए। मूवी नहीं हकीकत है। सबसे पहले अग्निहोत्री जी को मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी समय बाद पर्दे के रूप में सच्चाई सामने लाए, जो कि आप और हम सब हिंदू भाइयों को सनातन धर्म मानने वालों को समझना चाहिए कि हकीकत आज भी है। ऐसा नहीं कि ये केवल कश्मीर की थी, ये 1990 की थी, आज असम केरल पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में हो रही है। पूरा इंडिया, पूरा भारत, इंडिया नहीं कहना चाहिए, भारत कहना चाहिए, भारत पूरा आज भी वो स्थिति में है। आज भी सनातन धर्म समझदार नहीं हुआ, बहन बेटियां समझदार नहीं हुई, हिंदू अगर समझदार नहीं हुए तो आगे भविष्य ऐसा ही मिलेगा, जो कि अभी छोटे रूप में प्रसारण किया गया है, इसको बड़ा रूप आने वाला समय देखेगा। आज भी जाग जाएं मेरे सभी भाई और डटकर मुकाबला करें और अब पुरानी बातें छोड़ दें कि क्या हमें सिर्फ माला जपना सिखाया है, भाला भी पकड़ना सिखाया गया है। मोदी योगी जिंदाबाद, और जो अपना धर्म का साथ दे उसका साथ देना सीख जाएं। नहीं, ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है और जो कश्मीरी हिंदू के साथ जो अत्याचार हुआ उस ज़माने में, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको इस पिक्चर पर दर्शाया गया है। उसमें जो सबसे बड़ी उनके साथ अत्याचार हुआ, उस समय जो सरकार थी उन्होंने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज की जो सरकार है, जितने लोग हैं उनके सब पूरा साथ देना चाहिए, ताकि आज उस 1990 में जो अत्याचार हुआ हिंदू के साथ वो अब न हो पाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं धन्यवाद। नए दृष्टिकोण वाला शिविर जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा। सन टू हुमन एवं रोटरी क्लब गुना रॉयल 3 दिवसीय शिविर गुना में 18 मार्च से केवल योग नहीं प्रयोग है। ये शिविर केवल LK लाइन नाश्ता बा कॉम्बिनेशन युक्त भोजन पद्धति को अपनाकर बढ़े हुए वजन को कम करने, तमाम प्रकार की बीमारियां व अस्पतालों के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए तकनीक के प्रति समझ पैदा करने के उद्देश्य से इंदौर के परम आल्य प्रेरित सन टू हुमन मिशन के तत्वावधान में गुना में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन आगामी 18, 19, 20 मार्च 3 दिन लगने जा रहा है। ये शिविर सुविधाएं गार्डन अंबेडकर चौराहा गायत्री मंदिर के सामने गुना में होने जा रहा है। इस शिविर के आयोजक रोटरी क्लब गुना रॉयल के अध्यक्ष धर्मेंद्र वांझल ने शिविर संबंधित जानकारी देते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ये शिविर निःशुल्क रहेगा, इसके लिए कोई भी पंजीयन जरूरी नहीं। आप सभी को प्रणाम। ये शिविर हमारा नया दृष्टिकोण वाला शिविर है, जो 18 मार्च 19 मार्च 20 मार्च 3 दिन का शिविर है, जो सुबह 6:30 से 8:30 का 2 घंटे का टाइम देता है। इस शिविर में सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान के बारे में बताया जाता है।
जीवन कैसा विकसित हो, शांत कैसे रहे, इसके बारे में प्रयोग कराए जाते हैं। इस शिविर की टैगलाइन है प्रवचन नहीं प्रयोग। इस पर की गारंटी है कि 3 दिन यदि कोई शिविर करता तो उसके जीवन में अमूल रूपांतरण होता है और उसके जीवन की लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे अच्छा शिविर है। ये रोटरी क्लब पूना रायल करवा रहा है इस क्लब को, और सेंटिबल फाउंडेशन एक संस्था NGO है जो इंदौर के पास उनके आश्रम है, वहाँ से हम आए हुए हैं और पूरे इंडिया में हमारे 200 कैंप लग चुके हैं। आप सभी से निवेदन है जरूर इस शिविर में पधारें और इसका फ़ायदा लें। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रवि निर्मल है, मैं सेंटिबल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, अपने आप को विकसित कर रहा हूँ अपने जीवन को। ठीक, धन्यवाद। ससुर द्वारा की गई मारपीट व दी गई जान से मारने की धमकी। गुना SP को कार्यवाही न होने पर दिया शिकायती आवेदन। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ककिया ससुर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए शिकायत की है। आवेदन देते हुए बताया कि सीमा पत्नी संतोष रजक निवासी ग्राम जौहरी थाना फतेहगढ़ जब सुबह के समय घर पर थी तो उसका ककिया ससुर दौलतराम देवर हेमराज रजक घर के दरवाजे पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गालियां देने से मना किया तो दौलतराम रजक ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बोला कि इसे खींच कर लाओ, इसे बताते हैं। और हेमराज जब रन घर के अंदर घुसाया और बायां हाथ पकड़कर घर के बाहर खींच लाया और जमीन पर पटक कर लात घूसों से मारपीट करने लगा। जब सास गायत्री बचाने आई तो आरोपी दौलतराम रजक लाठी लेकर आया और लाठी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सीमा के हाथ के कोंचे में बासिर पर चोट आई है। जब चिल्ला चौंट हुई तो आवाज सुनकर मनीष रंजीत व पति संतोष रजक आए जिन्होंने बीच बचाव किया और जाते जाते आरोपी धमकी देकर गए कि आज बच गए आगे से जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने फतेहगढ़ थाने गए किंतु फरियादिया द्वारा बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, ना ही मेडिकल करवाया गया। पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए आरोपी गण के विरुद्ध सही अपराध पंजीबद्ध किए जाने व न्याय दिलाने की मांग की है। तारीख मेरे साथ मारपीट की और मुझे खींच के मारा। मेरे देवर ने मुझे नीचे पटक के और ससुर ने की इसको मारो खींच के लाठी खींच लाओ इस फतेहगढ़ थाना में सुनवाई नहीं की। हम बरोज गए थे कि हमें FIR नहीं दी तो हमारी सुनवाई नहीं करी। हम SP के पास आए, शिकायत कर दी हमने। तो कौन है ससुर जिसने मारपीट की है? ककिया ससुर हेमराज है, मारपीट की थी तो ससुर ने की और गाली दी बैरन की तरह से। क्या नाम है जो आपके जो ककिया ससुर हैं? ससुर दौलत राम ककिया ससुर हैं या ससुर हैं? ककिया ससुर हैं दौलत राम और हेमराज नाम है बेटा का। उसने देवर ने मुझे पकड़ के मारपीट की धरने से। फतेहगढ़ पुलिस ने FIR नहीं दी आपको? नहीं दी। और क्या, कितने दो दिन से नहीं दी और फिर भी सुनवाई नहीं करी हमारी फतेहगढ़। क्या नाम है आपका? सीमा नाम है मेरा। कौन से गांव के हो? जोहरी। OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार की कलाई खोलेगी कांग्रेस। 11 वर्षों तक कोर्ट में चला मुकदमा, सरकार आंकड़े ही पेश नहीं कर पाए। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह का आरोप। देश की सर्वाधिक आबादी वाले OBC समुदाय का भाजपा लगातार दुरुपयोग कर रही है। धार्मिक आधार पर इस वर्ग को वर्ग लाया जा रहा है, जबकि OBC आरक्षण के मुद्दे पर जब जब बहस कोर्ट में होती है भाजपा पीछे हट जाती है और सही आंकड़े तक पेश नहीं कर पा रही। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की इसी सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जल्द ही आंदोलन करेगा, रथ यात्रा निकालेगा और OBC समुदाय को भाजपा की असलियत बताएगा। कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कलही खोल कर रख देगी। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने मंगलवार को गुना में कही। जो पार्टी देश की आज़ादी की भारत में कोई भागीदारी नहीं रही वो सत्ता में आई है। सरकार संविधान को भी खतरा पैदा कर रही है। तरह तरह के इस प्रकार की स्थितियाँ जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब बीमार और रुग्णावस्था में पड़ी गई। कोई भी अपना ठीक काम नहीं कर पा रही। चुनाव आयोग हो चाहे CBI हो चाहे ED हो या
इवन न्यायालय तक का हिस्सा 6 किलोमीटर का है, तो ये तमाम जो स्थितियाँ प्रदेश में चिंतनीय स्थितियाँ हैं। इस कारण से हमें सभी लोगों को जानना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी जो एक सक्षम विकल्प है और जिसे अपने पुराने कार्यकाल में चला के बताया है कि देश बिना विवाद और बिना इस प्रकार के नफरत फैलाने चलाया जा सकता है, उस लाइन पर हमारा वर्ग आए और कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर बने, पार्टी को सक्रिय बनाए ताकि एक सक्षम पार्टी सरकार में आए और देश में शांतिपूर्ण शासन हो, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूल मुद्दे हैं जीवन के उन पर आगे काम पड़े, रोजगार व्यवसाय उद्योग तकनीक इन पर काम हो। अभी तो नफरत पर घृणा पर देश के बॉर्डर पर इस पर काम हो रहा है लगातार, ये हमारा मूल उद्देश्य था।